मरकच्चो प्रखंड के ग्राम पंचायत महुगांव में स्थित प्लस टू से टू सक्सेस विद्यालय महुगांव में विदाई सह आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार राणा एवं संचालन विद्यालय संचालक मनोज कुमार यादव ने किया, जिसमें कक्षा दसवीं के बच्चों की विदाई, कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों ने भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन कर दिया। सभी विद्यार्थियों को सभी शिक्षकों ने आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनसे बहुत अच्छे अंक में उत्तीर्ण होने की आशा व्यक्त की और विद्यार्थियों के द्वारा अपने विद्यालय में बिताए हुए समय का अनुभव व्यक्त किया गया। इस दौरान बहुत से विद्यार्थी इस विदाई की बेला में अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाए। शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए एक नए संकल्प के साथ एक नई तैयारी करने का संकल्प लेकर विद्यालय परिवार से कक्षा दसवीं के छात्र छात्रा विदा हुए। वहीं प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार राणा और उप प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार सिन्हा ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज निश्चित तौर पर आप इस विद्यालय से जा रहे हैं, परंतु आप इस विद्यालय से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद आप अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। और अंत में विद्यालय संचालक मनोज कुमार यादव ने सबका धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले दिन के लिए आप बेहतर करेंगे तथा विद्यालय का नाम संपूर्ण क्षेत्र में रोशन करेंगे। इस वर्ष विद्यालय से कुल 17 छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। वहीं इस मौके पर मुखिया सुनील कुमार यादव, पंचायत समिति सदस्य नसीम अंसारी, चमरू राणा, सहदेव दास, मोहम्मद अयूब खान, गुलाम खान समेत कई लोग मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। क्या बताना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर, मैं प्लस टू सेट टू सक्सेस विद्यालय का प्राचार्य होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे विद्यालय में क्लास दसम के छात्र छात्राओं को विदाई समारोह का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम को बखूबी निभाने का हम सबों ने प्रयास किया। बच्चों को यह बताने का प्रयास किया कि आप बेहतर लिखें, अच्छा परसेंटेज लाएँ। पास तो सभी करते हैं, लेकिन अच्छा परसेंटेज अगर आपका आता है तो भविष्य में वह ग्रेड काम आएगा आपको। तो मैं उन बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप मेहनती हो, आप लिखो परीक्षा इतना बेहतर कि शायद आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए और आप टॉप करो। मैं इन्हीं शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद करना भी चाहूँगा पूरे विद्यालय के बच्चों को भी। विदाई समारोह के अवसर पर आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं प्लस टू सेट टू सक्सेस के डायरेक्टर के तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की शुभकामनाएं और मेरी उम्मीद है कि बच्चे बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे। साथ ही साथ मैं बच्चे की आगमन करता हूँ और ये आप लोगों के थ्रू से मैं ये शिक्षित के विभाव में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कामना बच्चों लोगों के साथ साथ तो है ही है, मैं सभी लोगों के साथ में कामना करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे के पास पेमेंट ना हो, जो बच्चे पढ़ने लिखने में असमर्थ हो, उसके लिए मेरे स्कूल वेलकम है सर, प्लस टू वेलकम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो निस्वार्थ हो उसके लिए निशुल्क है, किताब, कॉपी, ड्रेस सारे कुछ मैं देने के लिए फैसला करता हूँ। और मेरे तरफ से रहते हैं, मेरे प्रधानाध्यापक से रहते हैं, मेरे शिक्षकगण से रहते हैं, साथ साथ मेरे शिक्षक लोगों से रहते हैं कि जो भी चीज़ सेवा मिले वो मेरे प्लस टू सेट टू सक्सेस हम उसे पूरा करें। और मैं शिक्षा विभाग से मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मैं अच्छा नहीं कर पाया किसी कारणवश, जो मेरे बच्चे, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे फैमिली के पास में बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी। मैं उस सारे चीजों को बंद करना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए उसे पैसे की जरूरत नहीं है, उसे मेरे पास आए, उसे सब कुछ मैं दूं, प्लस टू तक मैंने उसे शिक्षा दूं, बाकी साथ साथ बाहर कहीं पे हो जाए बच्चे तो मैं उसकी सेवा के लिए भी सम्मानित करता हूं। इसलिए मेरी सोच यही है, मेरी पंचायत की सोच यही है, मेरी ब्लॉक तक की यही सोच है। अभी तक मैंने अपनी पंचायत को देख रहा हूं, धीरे धीरे मैंने ब्लॉक के लेवल तक जाऊंगा, धीरे धीरे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक में जाऊंगा। मेरी सोच है कि मेरी पंचायत के लेवल में कोई भी बच्चे बेरोजगार के साथ साथ में शिक्षित ना हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे क्लासेस में, कंप्यूटर हमारे सलाह में, जो भी सारे कुछ देना के आवेदन रहता है, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू कैसी हो जाती है, फेस टू फेस इंटरव्यू, तो सब कुछ मेरे से सिखाया जाता है प्लस टू सेट टू सक्सेस। तो मेरी यही आगमन रहता है कि सर कि कोई भी बच्चा हो वो यहाँ पे पढ़े। और साथ साथ आज विदाई के समारोह में मुझे खुशी भी है कि मेरे बच्चे मेरे साथ में, संभावना है कि मेरे बच्चे बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके साथ में अपनी वाणी दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का